एक सुबह ऐसी भी देख लो। हेलो अब इतनी ठंड नहीं है, देखो सुबह में इतनी ठंड नहीं है जितनी रात में थी। बाप रे, ये लोग दर्शन करके आ गए। जी भी रुके, ये हमारा टेंट। एक आ रहा है, एक जा रहा है, जाने वाले हैं। अभी हमारा 2 किलोमीटर का सफर बाकी है ना। अब हम वो 2 किलोमीटर कैसे तय करेंगे वो मैं ही जान रही हूँ क्योंकि यहाँ से तो और बिल्कुल चढ़ाई है। नहीं देखो, नीचे से एकदम ऊपर जा रहा है, लेकिन हो जाएगा। अब तो रेस्ट कर लिया है, रात ऐसे भी होता है, बाल उसी में लगे संवार ले। तो हम रात में रेस्ट कर चुके हैं, तो हमें अभी थोड़ा सा समय है कि चल लेंगे, है ना। चलो दौड़ लेंगे। नहीं दौड़ना नहीं है, पता चला बस थोड़ी दूर दौड़े अरे फिर वही रह गए, आगे चलने लायक भी नहीं बचे। तो धीरे धीरे चलना है, रुक रुक के। अब चाय पीने बैठे। हाँ निकालो। यहाँ पे ये छोटी छोटी आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी जहाँ आपको चाय पानी मिल जाएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल, आरोग्य की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो हम केदारनाथ कल शाम में ही पहुंच गए थे 6-7 बजे के बीच, लेकिन हम बहुत थक गए थे और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो हमने यहाँ पर टेंट लिया और इसी में हम रात में रुके हुए थे, रेस्ट किया और अब हम निकलेंगे। पीछे आपको दिख रहा होगा बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से अभी 2 किलोमीटर का रास्ता है केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए। यहाँ सभी आके स्टे कर लेते हैं, उसके बाद से ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि इतनी लंबी चढ़ाई है, एक बार में कोई आके और तुरंत दर्शन नहीं कर सकता, उसको रेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि पैर की और पूरी हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा आपका हालत ख़राब हो जाएगा ठंड से, और ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी लो होते जा रहा है जितना हम ऊपर जा रहे हैं। अभी ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या है वहाँ पे सीन। ठंड तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि सामने हमारे बर्फ़ का पहाड़, ये वीडियोस में तो नहीं दिखा है उतना अच्छा, लेकिन सामने से तो काफ़ी अच्छा व्यू है। चलिए आपको ले कर चलते हैं और दिखाते हैं केदारनाथ मंदिर का दर्शन कराते हैं और खुद भी करते हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसे देहरादून फेमस भी हो रहा है। क्या हुआ? नहीं यहाँ पे टीम मॉडल हो रही है सुबह सुबह की। तो चालू करो। ये हम रिवील नहीं करते, टॉप सीक्रेट है ये। अच्छा सबका रख दिया इसमें, तुम लोग का पैक हो गया भाई। अच्छा सब पैक। अचार ये पता नहीं कैसे। अरे वो पूरा अचार पे ही तो सोए हैं आप, ये देखो ना, ये मेरे जैकेट में भी लग गया, उसके ऊपर जूते में लग गया। तो हम लोग अचार पे ही सोए हैं। चलेंगे बाहर बैठ जाएगा, कोई किसी को पराठा खाते ही होता है। लेकिन सुबह सुबह उनको भूख नहीं लगती। यहाँ सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, बारिश होगी मंदिर निकलने से पहले, दिखा रहा है बारिश के लिए, एक वजह से होगी। तो हम लोग ले रहे हैं एक बैग, सारे के सारे वो डाल दे रहे हैं। धीरे धीरे हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो ग्लव्स पहना दिए, कुछ हो ही नहीं रहा। कैसा लग रहा है पांडित जी के साथ? अबे कैमरा मैन नहीं, साथ ही कहाँ? हाँ काम कैमरा मैन चांद नवा सांस फूल रही है, लेकिन अब यहाँ से सही है, सीधा है। यहाँ से केदारनाथ 1.5 किलोमीटर। मंदिर
अभी हम लोग इतनी दूर आए, अभी सिर्फ 500 मीटर आए, हाँ तभी तो 1.5 किलोमीटर है। बारिश आ रही है, बोले पहुंच जाए फिर आए। केदारनाथ तो पहुंच ही गया सामने, वो देखिए कैमरे में ड्यूटी वाले कोई ऑप्शन आता ना। हाँ बताओ पहुँच गया फिर हम लोग। ये देखिए ये टाइम है ना एंट्री का, कल शाम शाम हो गई थी जब हम स्टार्ट किए थे तब इतना रिकॉर्ड रखा था, तो हम ऊंचाई पर कहाँ दिख रहा होगा, तो बहुत ऊँचे पे। सो गाइस हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे आ गए। रात में तो मुझे लगा नहीं था कि मैं सरवाइव भी कर रहा हूँ, रात में हालत बहुत ज़्यादा खराब, बारिश की फिर से आसार लग रहे हैं, स्टिल वी हैव मैनेज्ड इट। वो आपका हो रहा है हेलीपैड हो रहा सड़क, वही तो नहीं गड़बड़ हुआ था, वही वाला मुझे लग रहा है। हाँ ये वही वाला है, क्या साइड पोज़ है ना। अरे यहाँ बहुत चल रहा है, हम चलिए रास्ते में कह रहे थे बकायदे लगाएंगे थी कोई तो, हाँ हाँ की मदद करेंगे आप हमारी यहाँ पर, तो हम बोले हमारी सावधान रहिएगा, सावधान आप सभी लोग सतर्क रहें, सतर्क रहें क्योंकि यहाँ पर पूरा आपको लगेगा कि यहाँ के लोग नहीं है, ये बाहरी लोग हैं, बट ये यही लोग होते हैं जो कि आपसे धन जो है राशि मांगेंगे और बोलेंगे मदद के लिए। हाँ तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप उस तरह चौकन्ने रहे, हाँ चौकन्ना रहे, अटेंटिव बनिए। हाँ कैमरामैन भाभी जी साथ में, और साथ में जो है हमारे साथी सहयोगी, सभी साथी सहयोगी इधर आओ, ए लड़की हमारी ये पांडे जी, पांडे जी से मिलिए, पांडे जी जो है चलने लायक नहीं थी, इनको इनका ट्रीटमेंट करके हमने सुधार कर दिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। ओके ओके ओके, अब मैं बिल्कुल ठीक है, अब ये हमारा साथ, मैं आप लोगों का ध्यान दूंगी, अब ये हमारा ध्यान देंगे क्योंकि अब हम लोग बिल्कुल बीमार होने वाले हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं, हम दर्शन कर ले उसके बाद जो होना हो, नहीं पा रहे हैं, हालत खराब हो गई है इनकी भी, कल बड़े एक्टिव थे, फर्स्ट क्लास है, हाँ ये कल बहुत एक्टिव थे। आपको ऐसे लाइंस बनाना पड़ेगा 500 मीटर पहले से, हम भी जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए, तभी आपको दर्शन मिलेंगे। तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया, काफी महंगा है लोग प्रसाद दे रहे हैं, 500 से 250 ऐसे है। ये देखिए हम लोगों ने सभी ने प्रसाद ले लिया है, यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा है, नहीं नहीं लेकर के अब दर्शन के लिए निकल रहे हैं। हाँ बहुत हमारे तो थोड़े चिड़चिड़े हैं लेकिन बहुत दिल के साथ है। मैं ऐसे डाल दूंगी, मैं ऐसे आपके वहाँ पे फोटो मिल रही है ना वहाँ वाले पे। यहाँ से हमें आगे जाना है, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर होगा। तो हम सुबह के 9 बजे से लाइन में लगे हुए थे और 10:30 हो गए थे और लाइन बहुत धीरे चल रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन भी थी, तो हमें लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हमें दर्शन होने वाले हैं। तो हमें पता चला कि हम साइड से जाके दर्शन बाहर से मंदिर का कर सकते हैं, तो हमने सभी ने डिसाइड किया कि चलते हैं दर्शन बाहर से तो एटलीस्ट कर ले, उसके बाद तो हमें जो भी हमारा टाइम होगा, लाइन में हम लगे ही थे तो जब नंबर आएगा तो हम दर्शन करेंगे। तो हम बाहर से गए दर्शन करने के लिए और जो नज़ारा था वो मैं बता नहीं सकती, बहुत ही सुंदर, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे दर्शन कर पाऊँगी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो इस तरीके से हम बाहर से तो दर्शन कर लिए, अब बारी था अंदर से करने का, तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा।
हम 9 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक वहीं मंदिर के सामने ही खड़े थे। बारिश भी बहुत होने लगी थी, मौसम ख़राब होते ही जा रहा था, तो हमें उम्मीद भी थोड़ी कम होती जा रही थी, लग नहीं रहा था कि हम दर्शन कर पाएंगे। लेकिन फाइनली हमारा दर्शन हो गया, बहुत अच्छे से हुआ। भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन फिर भी हो गया। जब तक हमारा दर्शन हुआ नहीं था तब तक हम मंदिर के आसपास जगहों पर घूम रहे थे, भीमशिला का भी दर्शन किया, और जितनी ही यहाँ बारिश हो रही थी उतना ही यहाँ का व्यू जो है वो अच्छा लग रहा था। सच में ये धरती का स्वर्ग है। किधर गए? तो जो हम अभी तक रील्स में देखते थे और यूट्यूब पे, वो सामने से देख रहे हैं। देखिए सारे पीछे ऊपर कर बारिश आने लगी। ये है भीमशिला। डॉक्टर साहब हाँ, तो मेरा रहता ना। अब बोलो। बोली तो नहीं पा रही हूँ, सांस ही नहीं आ रही है। भीमशिला संकट में जिन्होंने उनकी रक्षा की थी। बारिश बहुत जोर से हो रही है और ठंड, जब बारिश हो रही है तो ठंड बढ़ते जा रहा है। दर्शन के पहले आपको ऐसे क्या टोकन टोकन मिलेगा जो आपको, आपको अपना रजिस्ट्रेशन दिखा के ऐसा टोकन लेना पड़ेगा। दर्शन हो गए? कैसे रहे दर्शन? मुश्किलों से हो गई, करना पड़ा। उम्मीदें नहीं थी 1% की नहीं थी, लेकिन लास्ट में करना पड़ा। तो वो लोग उतने देर से खड़े थे और फिर भी हमारा पहले हो गया एंट्री करके, बट जैसे भी हुआ करना हुआ अच्छा हुआ इन दी एंड। अब इसकी स्टोरी अलग है कि हमने कैसे किया, उस पर ये बताएगी बाद में, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। जितना आसान लगता है ना रील में उतना आसान नहीं, वो तो कुछ है ही नहीं, जो बस यहाँ आएगा वही पता नहीं क्या। बड़ी हिम्मत भी है कि हम लोग आके करते हैं। सुबह हम 9 बजे से हैं लगे हैं, अभी बज रहा है अपना करीबन 4-4:30 बज गया तब हमें दर्शन मिले, तब दर्शन मिले हैं। बाबा भी हमारी टेस्टिंग कर रहे हैं। इतनी अभी 10 बजे वाली लाइन में लगे हैं क्योंकि लाइन 2-3 तरीके से आ रही है। उस पर डिटेल में बात करेंगे, कुछ इश्यूज हैं जिससे बात होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, भूख लगी कुछ खा लेते हैं हम। ये हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो हमारे साथ भैरवनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और हम निकल चुके हैं, और बाकी टीम मेंबर्स ने गिव अप कर दिया है, वो नहीं जा रहे हमारे साथ। तो रास्ता कठिन है, पीछे दिख रहा होगा आपको, मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, बारिश वो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये यहाँ का मौसम इस टाइम का अचानक से ख़राब हुआ, 2 दिन से जब से हम यहाँ आए तब से मौसम ख़राब हुआ है, जबकि पहले अच्छा था। ये आपको एक पाथ दिख रहा होगा, यहीं से हमें जाना है भैरवनाथ के दर्शन करने। बहुत ठंडी, चलो कब चलना है, कितना विश्राम करेंगे आप लोग? क्या बता दिया कि हम जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन करने, और हमारी आधी टीम मेंबर्स ने गिव अप कर दिया है। हम भी कुछ 2-4-5 जाबाज कमांडो हैं हम लोग, जो भैरव बाबा तक दर्शन करने जाएंगे और वहां से दर्शन करके तभी वापस आएंगे। तुरंत हम लोग जाएंगे नीचे गौरीकुंड के लिए, हम लोग प्रस्थान करेंगे और भी पैदल पैदल। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसके बाद हम लोग बद्रीनाथ भी जाना है। हाँ वहाँ भी जो संकट कर, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आप बने रहो। पहाड़ तो गायब हो गए। हाँ ये तो हमारे पास है बिल्कुल। देख रही हूँ सामने से जितना अच्छा लगता है उतना फोटो में नहीं आता। ओम नमः शिवाय। हम पहाड़ों के बराबर हैं। जो सूंघ रहा है वो पूरा खत्म ना करे, थोड़े अपने साथियों के लिए भी रख ले, लेकिन खत्म ना करे, अपने साथियों के लिए बचा ले। वो इतना देर से खुला कि पूरा सूंघ गया। नहीं नहीं आ रहा इसमें अभी डाल देना पीछे देखो मेरे। बारिश श्याम भैरवनाथ आके अपने लिए घर बनाया, सभी ने बनाया था।
हमने अपना घर बनाया ये ना, और हाइट देखिए आप कितने ऊपर बनाया घर हमने, ऊपर दिखाओ वो देखो पीछे देखिए ये हमारा घर। और कहाँ बना है मंदिर, कहाँ मंदिर, कहाँ गया मंदिर, कहाँ गया? नहीं नहीं मुझे दिख रहा है ये रहा मंदिर, कितना दूर है। हाँ चलो चलो भाई, बाबा के भी दर्शन हो गए, भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए, और बारिश हो रही थी, अभी बारिश में बादल आ रही थी, देख कितना मतलब। रुको एक रील बनाते हैं। दिख रहा ना लाइट, तीन लाइट जल रही है, दिख रही है, वही है केदारनाथ धाम। ये कई साइड से है ना, हमने बहुत सौभाग्य की प्राप्त हुआ कि हमें आरती देखी, आरती के लिए बहुत अच्छे टाइम पे आए थे, हमारा बेस्ट डिसीजन था यहाँ आने का। यस, और ये हमारे साथ और भी व्लॉग बना रहे हैं, रात सुबह कहा नहीं गोरा करो, हमारी टीम मेंबर की एक टीम मेंबर ये व्लॉग बना रही है, और दो भाग गए, तीन भाग गए, भाग गए नीचे से, नीचे चले गए। तो हम सभी ने केदारनाथ जी का, काल भैरव जी का बहुत ही अच्छे से दर्शन किया, और जब हम काल भैरव गए थे तो वहाँ उनकी भी आरती देखी, वहाँ से नीचे आए तो केदारनाथ जी की भी आरती देखी, बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपको मेरा ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।